सर रूपा जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम में के अक्टूबर वादा 11,164 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 5% का ओवरी सर्किट लग चुका है और देख रहे हैं कि ग्वार सीड का अक्टूबर वादा 6221 पर है 3.5% की तेजी के साथ। रूपा जी, आपके जो लेवल्स थे, जैसा कि आपने बताया था कि ग्वार गम में तेजी देखने को मिल पाएगी, आपने जो लेवल्स दिए थे कल के कारोबारी सत्र में, आज आपके वो लेवल्स अचीव होते हुए नजर आ गए हैं। अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ग्वार में यहाँ पे तेजी बनी है, प्रोडक्शन कम रहने का भी अनुमान है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी ठीक ठाक है, तो यहाँ से अभी एक प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी या फिर ये जो कीमतें हैं अभी और ऊपर में जाती हुई नजर आएंगी? देखिए, जो अक्टूबर वायदा है अखिलेश, वो 11,164 पर कारोबार कर रहा है, जबकि नवंबर वायदा 11,280, और आज जबरदस्त तेजी, 5% की तेजी देखने को मिल रही है। सीड भी 6200 के ऊपर निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं, और 3% की तेजी जो है वो ग्वार सीड अक्टूबर वायदा में भी और नवंबर वायदा में दिखा रहा है। अब यहाँ से जो टारगेट की बात है, देखिए ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन एक करेक्शन भी आ सकती है। जैसे हमने लगातार देखा कि 10,000 के ऊपर बाजार टिक नहीं रहा था और गिर रहा था, वैसे ही अब 11,000 के ऊपर अगर 1-2 ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग आ जाती है तो काफी पॉजिटिव मोमेंटम इसका चालू हो सकता है। और अभी हाल फिलहाल में अगर पकड़ के चले तो मुझे लगता है कि ऊपर में ग्वार गम जो है वो 12,000 तक जा सकती है। वहीं सीट की बात करें तो जो 6200 के ऊपर की अगर इसकी सस्टेनेबिलिटी रह जाती है तो ऊपर में आप मान के चलिए 6500 तक सीट भी जा सकता है। तो 12,000 तक गम और सीट जो है वो 6500 के स्तर अभी एक्सपेक्टेड है। गम अगर 12,000 के ऊपर निकल गया तो आपको कोई बड़ी बात नहीं कि 15,000 का भी स्तर देखने को मिले, क्योंकि अभी जो ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कारोबारी है वो एक ही दिशा में कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं, खरीदारी ही देखने को मिल रही है। जो निचले स्तर अगर गिरावट आती भी है तो वहां पर वापिस से हम बाइंग आते हुए देखते हैं, तो हो सकता है कि जब बाजार जो है 12,000 पर जाए तो वहां पर एकदम ह्यूज बाइंग जो है आपको देखने को मिलेगी फिर 15,000 के टारगेट्स के लिए। तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से तो तेजी है, जो भी डिप आती है उस डिप में बाइंग करें, लेकिन स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि मार्केट है, अप एंड डाउन लगा रहेगा इसके अंदर और एक करेक्शन भी आ सकती है। तो अभी फिलहाल अगर इन स्तरों पर भी कोई बाय करता है तो उसमें स्टॉप लॉस 10,000 का जरूर मेंटेन करना है नवंबर वायदा में, और 6,000 का सीड में स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसके अंदर जो भी डिप आपको मिलती है उसमें आप बाइंग करके सकते हैं। फर्दर टारगेट जो है वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अभी एक लेवल है, उन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो काफी लंबी तेजी आती हुई देख सकते हैं। जी,